जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका स्वागत है। और झारखंड में मानो एक लहर चल गया है गिरफ्तारी का। जी हाँ, बड़े बड़े अधिकारी आईएएस आईएफएस अब कोई ईडी के शिकंजे और दबिश में पड़ जा रहा है, तो कहीं कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले रही है। आपको जैसा हमने बताया था कि खूंटी के एसडीएम को कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आईएएस अधिकारी थे वो, अब इसके बाद एक और झारखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी अंशुमन राजहंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, इतने बड़े सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी को पास करने के बाद जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं आईएफएस आईएएस, कहीं ना कहीं आपके मन में जब एक आईएएस आईएफएस का जब बात आते होंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि आपके मन में उभरती होगी जो एक प्रगतिशील होगा, जिनका जो सोच विचार होगा उच्चतम विचार वाला होगा, क्वालिफाइड होगा, एक समाज को आगे बढ़ाने वाला होगा। इस तरह की एक छवि के साथ एक आईएएस आईएफएस जो है वो एक तैयार होते हैं और लोगों के दिमाग में ऐसा इमेज होता है, क्योंकि सबसे कठिन परीक्षा को पास करके ये लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं बड़े बड़े परीक्षा ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आईएएस का जो रिस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा का रिस्पेक्ट और जो इज्जत है, उसको भी कहीं ना कहीं साख पे लटकाया जा रहा है। जी हाँ, अंशुमन राजहंस झारखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी है और उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनको 15 दिन से हम लगातार खोजते जा रहे थे, लेकिन ये अपना लोकेशन लगातार चेंज कर रहे थे। इनके खिलाफ शिकायत ये है, मामला ये है कि ठाणे की एक लड़की थी, वो उन्होंने इन पर रेप का आरोप लगाया है। जी हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक आरोप है रेप का। और लड़की का कहना है कि मैं बम्बई के ठाणे की थी और राजेंद्र नगर 2018 में इनके साथ ही, जी हाँ, दोनों साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे राजेंद्र नगर के एक फ्लैट में रह के, और दोनों ने यूपीएससी की तैयारी साथ की, दोस्ती हुआ, प्यार हुआ और दोनों के बीच संबंध भी बना, और इन्हें झांसा देकर संबंध बनाया ये कहते हुए कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और लगातार पिछले 2-3 सालों से उनके साथ रिलेशन में रहते आ रहे हैं। इसको लेकर लड़की ने कहा कि इन्होंने मुझसे शादी भी की थी, मंदिर में शादी की थी, लेकिन इन्होंने कोई फोटो लेने से इनकार कर दिया, तो मेरे पास अभी दिखाने के लिए कोई सबूत भी नहीं बचा है कि हमने शादी की, क्योंकि उन्हें फोटो के नाम पर सख्त ऐतराज था, कोई फोटो नहीं, गुपचुप तरीके से मंदिर में हमने शादी कर ली, लेकिन अब ये मुझे धोखा दे रहे हैं, दो अब कई बार रेप कर चुके हैं। इस मामला को लेकर कोर्ट ने इनको पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन अंशुमन कोर्ट में पेशी ना होने के इन पे वो नहीं हो पाए पेशी और इनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। वारंट जारी होने के बाद भी इधर उधर भागते रहे, कभी जमशेदपुर, कभी आसनसोल, कभी रांची। इनके फ़ोन का लोकेशन जो है वो ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद फाइनली उन्हें सियालदह से धर दबोचा गया, दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी है उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। हर दिन एक एक बड़े बड़े अधिकारियों पर जो, और आरोप भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि रेप जैसा, यौन शोषण जैसा, छेड़खानी जैसा अगर ये आरोप लगे तो कहीं ना कहीं समाज के लिए और आजकल के जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे यूपीएससी का, इनके लिए भी एक बहुत दिल तोड़ने वाली कहीं ना कहीं खबर है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत में। शिखा श्रेय अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।